अलवर नगर परिषद बोर्ड की साधारण सभा की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। बैठक में आज समितियों के गठन, शौचालयों के निर्माण सहित कई बिंदु आज की मीटिंग के एजेंडे में शामिल थे, लेकिन हंगामे के चलते बैठक आधा घंटा ही चल पाई। यहां मौजूद प्रतिपक्ष नेता नरेंद्र मीणा, सुरजीत भमलोत और कपिल राज ने सभापति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और जमकर नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर गए। हम तो कभी भी इनकी बोर्ड की बैठक से संतुष्ट नहीं, क्योंकि सुनने के मन से तो आते ही नहीं। आप देखो इनको जो करना होता है, ये खाना खिला के लाते हैं, खाना खिला के उसमें वो तय करके आते हैं। कल ही तय कर लिया था, पहले भी हर बोर्ड की मीटिंग से पहले तय कर लेते हैं। इनके ऊपर आदेश होते हैं, सरकार के होते हैं, विधायक के होते हैं, उनके कहे अनुसार ही कार्य करते हैं। आप ये देखिए कि आज की बोर्ड की मीटिंग को भी इन्होंने मजाक बना के रखी है। संवैधानिक बोर्ड की मीटिंग जब ये होती है तो इसको संवैधानिक तरीके से इनको काम करना चाहिए। आज भी देखिए एक दो तरह के प्रस्ताव इन्होंने जो पास किए, दोनों ही कानून सम्मत थे। आप देखिए पहला जो प्रस्ताव था जिसमें टॉयलेटों को बनाना था, उसमें भ्रष्टाचार निरोधक मुकदमा जब दर्ज है, कोर्ट में से निलंबन है, उसमें कोई विधि सम्मत राय नहीं थी। और जब विधि सम्मत हमारे आरपीपी रूल एक्ट के अंतर्गत, नगर पालिका एक्ट के अंतर्गत बाकायदा हमारी समितियां बनाने का उसमें किया गया है कि वार्ड समितियां होनी चाहिए और वार्ड समितियों से ही आगे कार्य होने चाहिए सारे सर, उससे क्या है भ्रष्टाचार फैलने की उम्र कम होती है। तो उसको इन्होंने कहा सब विधि इनको भेज दिया, तो क्यों नहीं आपने दोनों में एक बार उनकी राय ली, पहले वाले में राय लेना चाहिए आपको। सभापति अशोक खन्ना का कहना था कि मुख्यमंत्री महोदय ने अपने बजट में अलवर में 5 एसी टॉयलेट बनाने की घोषणा की थी, जिसमें करीब एक टॉयलेट में 50 लाख रुपए खर्च होना है, जिसमें केवल एक ही निविदा प्राप्त हो पाई और उस पर फैसला लेना था। जिसके अंदर जो बजट के अंदर मुख्यमंत्री जी ने अलवर में 5 एसी शौचालय बजट में हमें दिए थे, उसके लिए एकल निविदा प्राप्त हुई थी, वो करीब 50-50 लाख का एक एक शौचालय है। एकल निविदा को पास करने का अधिकार बोर्ड के पास ही होता है, इसलिए मीटिंग बुलाई गई थी। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये था, जो अभी बहुत तगड़ा आंधी झक्कड़ आए थे उसके अंदर कई स्कूलों की बाउंड्रियाँ गिर गई हैं, जैसे कि अभी हमारे पास में ये मन्नी का बड़ स्कूल है, लड़कियों का स्कूल है, और उसकी बाहर की बाउंड्री गिर गई है। ऐसे कहीं पर सरकारी पैसा लगाना पड़े तो बोर्ड से अनुमति ले ली है। तीसरी उसके अंदर एक गोविंद साय जांगिड़ हमारे यहाँ पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है, जो पहले उसके ऊपर हाईकोर्ट में केस किया हुआ है, तो उसने रिक्वेस्ट करी थी हम हाईकोर्ट से केस वापस ले लें और उसको नियमित भर्ती दी जाए, उसके ऊपर भी विचार कर बहुमत के आधार पर उसको भी पास किया गया। चौथा एक राजकुमार शर्मा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के पक्ष में श्रम न्यायालय ने पहले फैसला दिया था, उसके ऊपर हमने हाईकोर्ट के अंदर अपील करी थी हमारे यहाँ से, वो भी सिंगल बेंच में भी खारिज हो गई और डबल बेंच में भी खारिज हो गई। तो डबल उसका फैसला है कि इसको नियमित कर्मचारी के भर्ती दे दी जाए, वो भी बोर्ड ने पास कर दिया। पांचवा पॉइंट था वार्ड समितियां बनाने के गठन पर विचार, उसको हमने हमारी जो विधि समिति होती है उसके पास भिजवा दिया, वो देखेगी क्या उसका फैसला करेगी, जब बताएगी अगले बोर्ड में कभी देखेंगे। उसके बाद में वाल्मीकि समाज ने हमारे को रिक्वेस्ट करी है और एक उन्होंने हमें अपना मेमोरेंडम दिया है कि हमारे इस मेमोरेंडम को राज्य सरकार को भेजा जाए कि अलवर के अंदर जो भर्ती हो रही है ये सिर्फ वाल्मीकि समाज को इसमें वरीयता दी जाए, तो मानवता के आधार पर हमने उसका रिकमेंडेशन करने के लिए भी बहुमत के आधार पर फैसला कर लिया और उसे जयपुर भिजवा दिया। इस दौरान आयुक्त संजय शर्मा, उपसभापति शशि तिवाड़ी सहित अन्य पार्षद भी मौजूद रहे। आज की जो बैठक है इसमें आप ये मान के चलिए कि हर बार की तरह उन्होंने मनमानी करी है। जब सदन में जब चर्चा होती है तो दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है। ये स्टेटमेंट अशोक खन्ना जी जो हमारे सभापति महोदय हैं, इन्होंने हमेशा हाथ खड़वाने पर विश्वास किया क्या है, उन्होंने अपने भाजपा पार्षदों से, आप देखिए एकल निविदा में जिस आदमी पर कोर्ट में विचाराधीन मामला है और भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज है, उनको तो उन्होंने विधि सम्मत में नहीं भेजा। चूँकि दूसरा मामला जो अनुच्छेद 54 में साफ साफ लिखा हुआ है कि वार्ड, जैसे ग्रामों में ग्राम सभा होती है, ऐसे शहर में वार्ड में वार्ड सभा होती है, वार्ड समितियाँ होती है, उनके गठन के मार्फत विकास के कार्य कराए जाते हैं।
चूंकि अभी तक किसी पार्षद ने पहल नहीं की थी और विपक्ष ने इसके पहले पहल की, तो विपक्ष ने ये कहा कि वार्ड समिति का गठन किया जाए तो सदन पे रखा गया और सदन में देखिए उन्होंने कितनी चतुरता से उसको वार्ड विधि के पास भेज दिया, जबकि ये खुद में ही अपने आप में कानून है। उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान का अपमान किया है, उन्होंने बाबा अंबेडकर का अपमान किया है। मैं बोलना चाहता हूँ कि लोकतंत्र आज किस कदर किस तरह कटघरे में खड़ा है कि अब लोकतंत्र में विपक्ष का कोई रोल ही नहीं रहा, तो फिर ये बैठक क्यों, हमको क्यों बुलाया जाता है, हमको यह अनुमति क्यों दिया जाता है जो हमारी सुनी ही नहीं जाती।